हेलो फ्रेंड, आज है इंडिपेंडेंट डे स्पेशल रेसिपी। तो हम बनाने जा रहे हैं तिरंगा बर्फी, जो तीन कलर से मिलाकर हमने बनाई है। इंडिपेंडेंट डे स्पेशल है तो इंडिपेंडेंट के हिसाब से हमने तिरंगा बर्फी बनाई है। जो हमने कोकोनट बर्फी इसको बनाई है और तीन कलर इसमें दिए हैं। आप चाहें तो बगैर कलर की भी इसको बना सकते हैं। तो ये रेसिपी बहुत ही अच्छी, बहुत ही मज़ेदार बनती है और बहुत टेस्टी बर्फी आपके घर में बनकर तैयार हो जाएगी। बिल्कुल भी आपको नहीं लगेगा कि ये आपने घर में बना, एकदम मार्केट से भी बेहतरीन कोकोनट बर्फी बनकर तैयार होगी। और वेरी हेल्दी, वेरी टेस्टी एंड बहुत ही आसानी से 20 मिनट के अंदर मैं इसको बना के आपको दिखाऊंगी। बहुत जल्दी ये बन जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो चलिए सबसे पहले हम बनाएंगे इसको। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच देसी घी डाल दिया है। इसमें हम कोकोनट डालेंगे, किसा हुआ कोकोनट जो मार्केट में आता है वही हमने यूज़ किया है। तो यहाँ पर 1.5 कप के करीब मैंने डाला है, 150 ग्राम के करीब ये होगा। और इसको हम थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे, बहुत ज़्यादा कलर नहीं चेंज करिएगा। और जब ये थोड़ा सा ड्राई रोस्ट हो जाएगा तो इसमें मैंने 1/2 कप शुगर डाली है। तो यहाँ पर मैं मिल्क पाउडर का भी यूज़ करूँगी, इस वजह से मैंने थोड़ी शुगर कम डाली है। अगर आप मिल्क पाउडर का यूज़ नहीं कर रहे तो जितना कोकोनट है उससे आधा आप शुगर इसमें ऐड कर दीजिएगा, तो आपकी मिठास एकदम बर्फी की परफेक्ट आएगी। और अगर अगर आप कम मीठा खाते हैं तो थोड़ा कम डाल दीजिएगा। यहाँ पर हम डालेंगे दूध। तो यहाँ पर 1 कप अभी मैंने दूध लिया, इसको थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे। इस तरीके से मुझे इजी लगता है, आप चाहें तो एक बार में डालकर भी इसको मिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको चलाते रहेंगे, मिक्स करते रहेंगे और फिर धीरे धीरे करके हम सारा दूध इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कप दूध डाला है, अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं थोड़ा और डाल दूंगी, वरना 1 कप दूध सफिशियंट है। बस इसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, जब और स्लो टू मीडियम फ्लेम करके हम इसको अच्छे से कुक कर लेंगे और थोड़ी देर कुक कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। अभी हम दूध के साथ ही इसको पकाएंगे और बहुत ज़्यादा गैस आप तेज़ नहीं करिएगा, ताकि ये जल भी सकता है, आपका लग भी सकता है। और कॉन्स्टेंटली इसको चलाते हुए आपको पकाना है। देन मैंने अब यहाँ पर ऐड की हुई है 1 टीस्पून के करीब इलायची का पाउडर, और इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी आपकी बर्फी में। और इसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है मिल्क पाउडर। तो यहाँ पर 1/4 कप के करीब मैंने मिल्क पाउडर डाला है, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा। अगर आपके पास खोया अवेलेबल है तो आप इसमें 50 ग्राम के करीब खोया डाल दीजिएगा, उससे भी आपकी बर्फी का टेस्ट काफ़ी अच्छा हो जाएगा। 1 चम्मच घी मैं यहाँ पर और यूज़ करूँगी। टोटल मैंने 2 टेबल स्पून देसी घी का यूज़ किया है। और बस इसके बाद हमें अब इसको जब तक पकाते रहना है जब तक इसका मॉइस्चर नहीं ख़त्म हो जाता, क्योंकि ये मॉइस्चर अगर रह जाएगा तो आपकी बर्फी जो है वो अच्छे से सेट नहीं होगी। तो मैं यहाँ पर इसको बराबर चलाते हुए, आप देख रहे हैं मैं पका रही हूँ, और जब ये बनने पे थोड़ा सा आ जाएगा, जब हम इसमें थोड़ा सा केवड़ा डालेंगे, इससे काफ़ी अच्छी खुशबू आएगी आपकी मिठाई में और एकदम मार्केट जैसे आपके मिठाई का टेस्ट आएगा। तो बस अगर आपके पास केवड़ा एसेंस है तो आप वो डाल दीजिए, वरना आप थोड़ा सा रोज़ वाटर डाल दीजिए। तो इसको मैं इस तरीके से पकाती जाऊंगी, चलाती रहूंगी और इतनी अच्छी ये मिठाई बनकर तैयार होगी। आप इसको किसी भी खास ओकेशन में बनाकर खिला सकते हैं, लोगों को बांट भी सकते हैं। बहुत ज़बरदस्ती बनकर तैयार होती है और बहुत ही रिच इसका टेस्ट आता है। तो आप बस इसको बनाइए और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ पर मैंने 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर लिया है। यहाँ पर 2 भाग मैंने अभी निकाले हैं। इसको मैं कलर दूंगी क्योंकि मुझे तिरंगा बर्फी बनानी है, तो मैं कलर दे रही हूँ। अगर आप सादा बना रहे हैं तो कलर को स्किप कर दीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने ये ग्रीन कलर दिया हुआ है और इसको मैं अच्छे से मिक्स करके रख दूंगी। अब मैं दोबारा जो दूंगी, मैं ऑरेंज कलर, केसरी कलर दूंगी, जो हमारे तिरंगे के कलर होते हैं उसी कलर का मैं यहाँ पे दूंगी। इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। और यहाँ पर हमें अच्छे से मिक्स करने के बाद बस इसको हमें सेट करना है। तो आप जिस भी कलर की बनाना चाहें उस कलर की आप बना सकते हैं, कलर नहीं डालना चाहें मत डालिएगा। और यहाँ इसके बाद देखिए, मैंने ऐसे बटर पेपर एक बॉक्स में लगा लिया है। तो जिस अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप जिसमें जमा रहे हैं उसमें आप ऑयल को ग्रीस कर लीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ग्रीन कलर देंगे, जिस तरीके का हमारे तिरंगे का कलर होता है। तो हम यहाँ पर ग्रीन कलर ऐड करेंगे और इसको इवनली स्प्रेड कर देंगे, अच्छे से इसको मिक्स करके एक सा करके इसको सेट कर देंगे। और जब ये अच्छे से सेट हो जाएगा फिर इसके बाद हम सेकेंड लेयर लगाएंगे वाइट कलर की। और आप इस तरीके से बहुत ही अच्छी सी मिठाई घर पर बना के तैयार कर लेंगे। और इंडिपेंडेंट डे का स्पेशल है, 15 अगस्त है, तो आप इसको बनाकर अपने लोगों में बांट भी सकते हैं, खुद भी खाएं, अपने दोस्तों को खिलाएं, अपने रिश्तेदारों को खिलाएं। और मेरा ये वीडियो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बस इसके बाद यहाँ पर मैंने दूसरी लेयर डाली वाइट कलर की,
और व्हाइट कलर मैंने थोड़ा ज़्यादा बचा लिया था, बाकी ये दो इक्वल अमाउंट में थे, तो बस इसको भी मैं स्प्रेड कर दूंगी अच्छे से, सारा जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा ये एक सा, फिर हम तीसरी लेयर इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये केसरी कलर का कोकोनट का मिक्सचर उठा लिया है और इसको यहाँ पर सेट कर दिया है। तो बस इसी तरीके से आपको बनाना, देख रहे हैं कितनी जल्दी कितनी झटपट से हमारी इतनी गजब की ये बर्फी तैयार हो गई है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। और आपको जैसी भी गार्निशिंग करनी हो आप कर लें, मैं थोड़े से यहाँ पे बादाम लगाए, आपको अगर गार्निशिंग करना है करें, चांदी का वरक भी लगा सकते हैं। जब हम इसको सेट होने के लिए रख देंगे, यहाँ पर मैंने कवर कर दिया और फ्रिज में रख दूंगी मैं तकरीबन 1 घंटे के करीब रखूंगी, और इसके बाद 1 घंटे के बाद इसको निकालूंगी। तो यहाँ पर मैंने 1 घंटे से ज्यादा थोड़ा रखा था इसको, और इसको निकाल लिया है। ये देखिए कितनी बढ़िया सी हमारी सेट हो गई है। और आप बस इसके आप पीसेस बना लीजिए, इसी तरीके से रखना चाहें इस तरह से रख लें। तो यहाँ पर मैं पीसेस कट कर लूंगी, मैंने बटर पेपर हटा दिया था, मैंने गलती की, आप इसको बटर पेपर के ऊपर रख के ही काटिएगा। मेरी जो प्लेट है वो भी ग्रीस नहीं थी, तो इस तरीके से चिपकने का डर रहता है मिठाई का, तो मैंने ये गलती जल्दबाजी में कर दी, आप मत करिएगा। तो यहाँ पर अच्छे से मेरे पीस निकल आए थे, चिपके नहीं थे, लेकिन आप बटर पेपर के ऊपर रख के ही इसको काटिएगा। तो यहाँ पर देखिए ये कितनी अच्छी सी कलरफुल सी हमारी कोकोनट की बर्फी एकदम तैयार है, और बहुत ज़बरदस्ती देखने में भी लग रही है और खाने में तो बहुत मज़ेदार है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। और यहाँ पर मैं कोकोनट की बर्फी है तो कोकोनट जो हमारा कोकोनट बुराता है उसमें हम इसको कोडिंग कर लेंगे, तो इससे इसका टेस्ट भी अच्छा आएगा और लुक भी बहुत अच्छा आएगा। तो बस इस तरीके से मैंने सारी बना ली है। और आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही अच्छी अच्छी रेसिपी इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों के लिए लेके आऊँगी, बहुत ही ईजी बहुत ही आसान रेसिपी, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी कैसे बनकर तैयार हुई। तो बस यहाँ पर मैंने सारी प्लेटिंग यहाँ पर कर दी है, ये बहुत अच्छी सी हमारी बर्फी तैयार हो गई है और बस खाने के लिए एकदम रेडी है। आप इसको खाइए, आपको मैं तोड़ के दिखाती हूँ, देखिए कितनी सॉफ्ट और कितनी अच्छे से सेट हुई है। आप इसको और देर तक फ्रिज में रखेंगे ये और अच्छे से सेट हो जाएगी, वैसे 1 घंटे में ये अच्छे से सेट हो जाती है। और देख सकते हैं आप कि कलर टेक्सचर इसका सब कुछ बहुत अच्छा है और बहुत मज़ेदार बनी थी, बहुत टेस्टी बनी थी, और आप खाएंगे तो खाते रहेंगे जाएंगे। इतनी अच्छी रेसिपी ये बनकर तैयार होती है, इतनी परफेक्ट बर्फी बनकर तैयार होती है, बस इसी रेसिपी से बनाइएगा, इंशाल्लाह आपकी ये बर्फी बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग टेस्ट विद फारा, अल्लाह हाफिज़।